थोड़ी तो कम कर दे। हम समझते हैं, लेकिन जिस तरह बाबर ने और रिजवान ने जो रन किए थे उसके बाद जो इस पूरे वर्ल्ड कप में मिडल ऑर्डर ने परफॉर्म किया है, हां एक्सेप्शनल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब पाकिस्तान को कम से कम 161 65 इतने रन तो करने चाहिए। उसकी वजह यह है क्योंकि इतने रन आप डिफेंड कर सकते हैं जो हमारी इसी इंग्लैंड की टीम ने 170 के स्कोर से किया था, लेकिन वो कंपैरिजन नहीं बना रहे। बॉलिंग में जमीन आसमान का फर्क है, सही के पास ना तेज बॉलर है ना ऐसे बॉलर है कि जो मुश्किल में डाल सके, क्योंकि इंग्लैंड कहीं ना कहीं शायद ओवर कॉन्फिडेंस भी हो रहा है। ये अगर हम इन अगर ये 160-165 भी करते तो हम बड़े आसानी से ये रन चेज कर लेंगे और इंग्लैंड को मुश्किल हो सकती है। अगर उनके माइंड में डीएलजी है, सही उसमें तेज खेले जाएंगे, विकेट गिर सकती है, ये चीजें तो आप कह रहे 160 सही नहीं सर, क्या लग रहा है पाकिस्तान अब बैटिंग करेगा? क्या प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान का स्कोर किस रेंज में होगा आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि 160 के करीब होगा तो शायद लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि पाकिस्तान और बरतानिया के इंग्लैंड के मैचेस में सारे तीन मैचेस में इंग्लैंड ने 200 क्रॉस किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आसाब शिकन माह के अहकाम है। चाय की होटलों पर दिलचस्प तस्वीर किए जा रहे हैं। कराची में बुजुर्ग शहरियों की मैच में दिलचस्पी भी देखने से ताल्लुक रखती है। उनका तजिया क्या है पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे सैयद वसीम से। वसीम बताइएगा बुजुर्गों का तजिया क्या कहता है? कराची वालों के लिए एक आम तासुर है कि जब चाय के होटल में बैठते हैं तो खूब तस्वीर होते हैं, चाहे वो सियासत हो चाहे वो खेल का मैदान हो। और आज बात है पाकिस्तान एक ऐसे मार्के की जिसमें जो टीम जीतेगी वो वर्ल्ड कप विन करेगी। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है और जो यहाँ पर तबसरा कर रहे थे कि पाकिस्तान और इंग्लैंड में कौन सी टीम फेवरेट है, हम भी जानते हैं इनसे और पूछ रहे कौन सी टीम आज के मैच के लिए फेवरेट है। हम जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए क्योंकि हमें पाकिस्तान After this, after two downs, but still against another end, the crowd was there and they support everywhere we go. So they are our 12th man, so we want to be. ये गुफ्तगू आपने मुलाहजा की वर्ल्ड कप के हवाले से लम्हा ब लम्हा आपको आवाज हम बोल लेकिन यहाँ पर वक्त है मैसेज सेंड करने का नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया लतीफा।
आपको जरा हैरान कर जो सकते हैं जेएम की जानी से